पद्मावत, संजू और केदारनाथ के बाद अब एक और फिल्म विवादों में है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। सेंसर बोर्ड के हर कट के फैसले को सही ठहराने वाली शिवसेना ही कट की फांस में फंस गई है। हम बात कर रहे हैं शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे की जिंदगी पर बन रही फिल्म की। ठाकरे की जिंदगी को रील में बताने का दावा करने वाली फिल्म ठाकरे 25 जनवरी को रिलीज हो रही है और बाल ठाकरे का किरदार निभा रहे हैं अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी। सेंसर बोर्ड ने फिल्म के कुछ सीन पर कट लगाने की बात कही, लेकिन शिवसेना को ये नामंजूर है। शिवसेना नेता संजय राउत, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर और स्क्रिप्ट राइटर भी है, उनका यह कहना है कि बाल ठाकरे पर बन रही ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है, ऐसे में फिल्म में कट लगाने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि ये वही संजय राउत और शिवसेना है जो अक्सर किसी न किसी फिल्म पर कट लगाने या उस फिल्म की रिलीज को रोकने को लेकर हंगामा मचाती रहती है। एक निराली चीज़ ये भी है कि दो अलग अलग फ्लेवर के हिंदी और मराठी ट्रेलर रिलीज किए गए हैं। मराठी ट्रेलर में बेरोक टोक, दबंग और मराठी अस्मिता का झंडा थामे हुए बाल ठाकरे नजर आ रहे हैं, जबकि हिंदी ट्रेलर में राष्ट्रवाद को ज़्यादा फोकस में रखा गया है। उदाहरण से आपको समझाते हैं कि मराठी के ट्रेलर में 80 के दशक की मुंबई दिखाई गई है, जब शिवसेना दक्षिण भारतीयों के खिलाफ हटाओ लुंगी और बजाओ पुंगी जैसे कैंपेन चलाया करती थी। वही मराठी के ट्रेलर में इस बात पर भी फोकस रखा गया है कि जो शिवसेना का सबसे बेहतरीन आंदोलन उनके हिसाब से था, जिसमें जो थिएटर्स मुंबई में हुआ करते थे उसमें हिंदी की जगह मराठी फिल्मों को भी तरजीह दी जाए, उसे भी प्रमुखता से दिखाया गया है। अब आइए हिंदी के ट्रेलर में आप एक डायलॉग भर से ही पूरा मामला समझ जाएंगे। पिक्चर में एक सीन दिखाया गया है जहां पर बाल ठाकरे और इंदिरा गांधी साथ बैठे हैं और इंदिरा गांधी बाल ठाकरे से पूछ रही है कि आपकी जो भूमिका है, जिसमें आप ये कहते हैं कि महाराष्ट्र केवल मराठी लोगों के लिए है, उसके जवाब में बाल ठाकरे कहते हैं कि मैं अपने हर भाषण का जो एंड करता हूँ वो जय हिंद और जय महाराष्ट्र से करता हूँ, यानी मेरी जो भूमिका है वो साफ है, पहले देश है और फिर महाराष्ट्र है। एक और सीन में बाबरी विध्वंस का जिक्र है, मतलब हिंदी ट्रेलर में हिंदी पट्टियों की भावनाओं को जगा दी गई है हिंदुत्व के तड़के के साथ। अब ऐसे में सेंसर बोर्ड को लगा कि कुछ सीनों पर कैची चलानी चाहिए। बोर्ड को मराठी ट्रेलर में दिखाए गए दो सीनों पर भी आपत्ति है, जिसमें से एक है बाबरी विध्वंस और दूसरा है मुंबई में दक्षिण भारतीय लोगों के खिलाफ शिवसेना के आंदोलन के वक्त बाल ठाकरे का विवादित बयान। सेंसर बोर्ड के आदेश के बाद भी मराठी ट्रेलर से इसे नहीं हटाया गया है। ऐसे में सवाल ये है कि सेंसर बोर्ड जैसी संस्थाओं पर शिवसेना का विश्वास है या नहीं। हर साल रिलीज होने वाली फिल्मों के छोटे मोटे पॉइंट पकड़कर शोर शराबा मचाने वाली शिवसेना के ऊपर विवादित सीन बिना इजाजत दिखाने को लेकर अब सेंसर बोर्ड कोई कार्रवाई करेगा या नहीं, ये भी सवाल उठने लगा है। यूं तो शिवसेना ने इस फिल्म में प्रधानमंत्री मोदी को भी नहीं छोड़ा है। मराठी के ट्रेलर में एक डायलॉग दिखाया गया है जिसमें ये कहा गया है कि व्यक्ति की ताकत उसका सीना कितने इंच का है इस पर निर्भर नहीं करती, दिमाग पर निर्भर करती है। आप इशारा तो समझ ही गए होंगे, मतलब संसद, सड़क और सोशल मीडिया के जरिए अपने सहयोगी बीजेपी पर लगातार हमले करने वाली शिवसेना ने फिल्म में भी बीजेपी पर हमला बोला है। लेकिन एक बात इसमें अजीब लगती है, वो ये है कि मराठी के ट्रेलर में तो ये डायलॉग है जबकि हिंदी के ट्रेलर से इसे गायब रखा गया है, यानी बैलेंस बिठाने की कोशिश की गई है। एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या इस फिल्म के जरिए शिवसेना को कोई सियासी फायदा मिलेगा, तो जवाब यह है कि फिल्म के जरिए शिवसेना अपनी पॉपुलैरिटी उन युवाओं में बढ़ाने की कोशिश कर रही है जो बालासाहेब ठाकरे की शख्सियत से वाकिफ नहीं है। साथ ही शिवसेना के जो राजनीतिक रसूख पिछले कुछ दिनों में गिरा है उसे भी पटरी पर लाने की, यानी लोकप्रिय बनाने की कोशिश इस फिल्म के जरिए की जा रही है। वहीं शिवसेना ये भी दिखा रही है कि शिवसेना का जो एजेंडा है वो पहले मराठी अस्मिता, फिर देश और फिर हिंदुत्व है।